हाँ तो दोस्तों ये बनी है सीढ़ियाँ, आप देखते हैं ऊपर तक जा पाते हैं कि नहीं। आप लोग को व्लॉग दिखाते हैं। क्यों भाई, चल पाओगे? हाँ मैं चल पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा, मैं चल जाऊंगा। चलो देखते हैं तुमको। हेलो दोस्तों, हम फिर से प्रकट हो गए हैं अपने नए व्लॉग के साथ। अभी हम जा रहे हैं सिंगौरगढ़। यहाँ पे गेट लगा हुआ है, पर्ची कटती है 60 रुपये की। हमने यहाँ पर्ची कटवा ली है, अब इसके बाद हम पर्ची लेके अंदर निकलेंगे और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। हाँ तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सिंगौरगढ़ का किला। देख भाई, क्या सिंगौरगढ़ का किला। हाँ पवन, कैसा है किला? ये देखिए, ये बाहर से कितना बढ़िया किला दिख रहा है, काफ़ी पुराना है मुझे लगता है। पवन कितने साल पुराना होगा तुम्हें क्या लगता है? क्या मालूम यार, देखना पड़ेगा अंकित। बहुत ही पुराना किला है वैसे। ये क्या बनी है पवन? ये देखिए दोस्तों, ये कुछ अलग सी चीज़ है। ये भी गुफाएं हैं क्या? ये छोटी छोटी गुफाएं रही होंगी उस टाइम पे। अच्छा, पता नहीं इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। ये भी देखो कोई स्ट्रक्चर, पवन अच्छे से देखो है ना, ये भी कोई स्ट्रक्चर है। हाँ तो दोस्तों ये आ गए हाथी दरवाजा, रानी महल। यहाँ से चढ़ाई शुरू करना है। वो आप देख रहे होंगे वो वहाँ पर तक यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर पवन मुझे लगता है पहरेदार बैठा करते होंगे। हाँ, यहाँ पे पहरेदारों का ही रूम होगा, क्योंकि ये गेट है और एक ये है कक्ष इनका। पहरेदारों का बढ़िया तरीके से बनाया गया है स्ट्रक्चर। कहते थे पुराने स्ट्रक्चरों में सीमेंट वीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था, गुड़ और चावल से बनाए जाते थे, और ये आज भी खड़े हुए हैं। हाँ तो दोस्तों ये बनी है सीढ़ियाँ, आप देखते हैं ऊपर तक जा पाते हैं कि नहीं। आप लोग को व्लॉग दिखाते। क्यों भाई, चल पाओगे? हाँ मैं चल पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा, मैं चल जाऊंगा। चलो देखते हैं तुमको। देखो भाई, वो बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा है, उसका मन नहीं हो रहा है ऊपर आने का, वो जैसे तैसे आ रहा है वो। मैं तो आ गया हूँ काफ़ी आगे तक, अभी बहुत ऊपर जाना है। चलो तो अब यहाँ की ब्यूटी के बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग नज़ारा यहाँ का। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है ये किला। ये यहाँ पे ऊपर है किला, अभी ये रास्तों से और चढ़ना है। और अभी हम इतने ऊपर आ चुके हैं, वहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट था। ये पूरा चढ़ते हुए अंकित भाई का पता नहीं है कहाँ रह गए हैं। तो हाँ गाइस, बहुत कड़ी मेहनत के बाद, इतनी ऊपर चढ़ाई के बाद हम आ चुके हैं सामने। अंकित देख रहे हो किला? हाँ हाँ, ये रहा किला। वो अपन अंदर चल के और एक्सप्लोर करते हैं उसमें क्या चीज़ है। ऐसे काफ़ी चढ़ना पड़ा, क्यों? बहुत चढ़ना पड़ा भाई, कपड़े उतर गए। पवन इस किले के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ अंकित, किले के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है ये रानी दुर्गावती जी का विवाह स्थल भी कहा जाता है। दमोह जिले में बना सिंगौरगढ़ में ये सिंगौरगढ़ का किला कहा जाता है। यहाँ पे रानी दुर्गावती जी का विवाह हुआ था। ये 1564 में बना हुआ है। ये 1564 मुगलों के साथ युद्ध करते हुए भी, युद्ध करना भी बहुत ही मुश्किल था जीत पाना उनके लिए, मुगलों के लिए, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। सामने की तरफ पहाड़ है जो कि एक सुरक्षा कवच और दीवार का काम करती है वो। हाँ तो अंकित, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सुरंग भी थी जो कि यहाँ से अंदर अंदर जाते जाते मदन महल पहुँचती थी। ये सिर्फ रानी जी को और उनके सेनाओं को मालूम था कि रास्ता कहाँ है। हालाँकि पुरातत्व विभाग ने अब उन सुरंगों को बंद कर दिया है, अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और यहाँ पास में एक जलाशय भी है अंकित भाई। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर काफ़ी धन धान्य खजाना छुपा हुआ है रानी जी का। और ऐसा भी मान्यताएं हैं कि जो रानी जी का पारस पत्थर था वो भी पानी में छुपा दिया गया था। अच्छा, तो उस जलाशय में अभी भी पानी है क्या? पानी उसका कम नहीं होता है अंकित भाई, अभी पानी हमेशा वहाँ मौजूद भरा रहेगा वो जलाशय। और कई बुजुर्गों का कहना है कि अगर किसी ने भी इसको खोदने की कोशिश की, निकालने की, तो उनके साथ बुरा ही हुआ है, और कई लोग तो पागल भी हो गए हैं।
ऐसा उन बुजुर्गों का कहना है। अच्छा, तो कितनी दूर पर है ये जलाशय? बस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम चलेंगे? बिल्कुल, अभी चलेंगे अपन वहाँ और जलाशय भी दिखाएंगे आप लोगों को भाई। चलिए चलते हैं। चलो तो क्या पवन, ये यही है वह जलाशय जिसकी बात कर रहे थे तुम? हाँ अंकित, यही है वो जलाशय। देखिए गाइस, जिसका पानी कभी नहीं सूखा है और इसी में सोना है गोल्ड खजाना। बहुत रहस्य छुपे हुए हैं इस तालाब में। पवन, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ भी है। मगरमच्छ बिल्कुल है, क्रोकोडाइल। हाँ, अभी एक टीम निकली तो है मगरमच्छ देखने, वो देख सकते हैं आप, मैं ज़ूम करूँगा। तुम्हें क्या लगता है इनको जा रहे हैं? एक आगे निकल चुके हैं टीम, उनको दिख पाएगा मगरमच्छ? अरे किसी को नहीं दिखेगा अंकित भाई, सब आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते।